students, let us start with question number 12 of exercise 10.1, that is mensuration chapter. So question number 12 is two sides are 12 centimeter and 14 centimeter. हमारे पास बेटा एक ट्राइंगल गिवन है जिसके हमारे पास साइड्स क्या गिवन है, एक 12 सेंटीमीटर गिवन है साइड और एक 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और उसने हमें क्या चीज़ गिवन है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन टू यू, दैट इज 36 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है इसमें कि थर्ड साइड क्या होगी, ठीक है। अब आपके पास टू साइड्स तो आपके पास गिवन है, ठीक है। लेंथ ऑफ टू साइड्स क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा आप कैसे इसको करोगे, आपको पता है पेरीमीटर कितना गिवन है आपके पास, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। आपके पास जो ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है वो कितना गिवन है, 36 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो ये 36 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, देखो थर्ड साइड तो आपको गिवन नहीं है, तो थर्ड साइड तो आप एज इट इज लिख दोगे, 12 प्लस 14 प्लस आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है इज इक्वल्स टू 36। इज दिस क्लियर बेटा। सो थर्ड साइड आपको, ये वाली साइड आपको निकालनी है, आप क्या करोगे पहले 12 प्लस 14 कर लोगे, 12 प्लस 14 आपके पास बन जाएगा 26 प्लस थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 36। अब ध्यान से देखो, अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मल्टीप्लाई में होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड, डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बीच में साइन लगा हुआ है प्लस का और 26 के आगे भी क्या है, प्लस है। तो जब यहाँ पे प्लस होता है जो भी नंबर गिवन होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, ये माइनस, मतलब जब आप राइट हैंड साइड में लेके जाते हो तो ये माइनस हो जाता है, अगर माइनस होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। सो थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 36 माइनस 26, आपके पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। सो 10 सेंटीमीटर इज योर थर्ड साइड, ये कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब भी आपके पास कोई पेरीमीटर गिवन होता है और टू साइड्स की लेंथ आपके पास गिवन होती है तो उन टू साइड्स की लेंथ को आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे और पेरीमीटर में से माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाती है, थर्ड साइड। और यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। सो मैंने आपको जो दूसरा मेथड बताया वो कैसे कर सकते हो, जो आपके पास लेंथ ऑफ टू साइड्स गिवन होती है आप उनका पहले सम कर लो एंड देन व्हाट यू विल राइट, थर्ड साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर माइनस सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स। तो उसमें से आप 12 प्लस 14 को माइनस कर दोगे पेरीमीटर में से तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, थर्ड साइड। इज दिस क्लियर बेटा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। फॉर क्वेश्चन नंबर 13 विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।